बात है ट्वाइलाइट। हाँ, मैंने पोनी मिल की हर एक किताब पढ़ ली स्पाइक, पर इनमें से किसी में भी उस बक्से का जिक्र नहीं है जो हारमनी के पेट से निकला था, ना ही उसे खोलने वाली चाबियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि उस बक्से को खोलना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि प्रिंसेस सेलेस्टिया को पता होगा। अगर कैंटेलॉट की लाइब्रेरी में कुछ नहीं है तो फिर मैं नहीं जानती जवाब कहाँ मिलेगा। मेरी प्यारी ट्वाइलाइट, जब तुम कैंटेलॉट में रहती हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जगह है जो पोनीविल के काफी पास है। जैसा कि तुम जानती हो, वो पुराना महल जहाँ मैं लूना के साथ रहती थी अब एक खंडहर बन गया है घने एवरफ्री जंगल में। पर अगर तुम ध्यान से देखो तो शायद तुम्हें उस महल की लाइब्रेरी में कोई ऐसी किताब मिल जाए जो तुम्हारी रिसर्च में मददगार साबित होगी। वाओ, इन सारी किताबों को तो देखो, यहाँ तो जैसे ज्ञान का भंडार लगा हुआ है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तो ट्वाइलाइट, घर वापस चलने के लिए तैयार हो? मजाक कर रहे हो क्या? ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी, पहले तुम हिलोगी। मैं किसी कीमत पर नहीं हिलने वाली। ये डेयर आज तक का सबसे डेयरिंग डेयर है जो किसी पोनी ने दूसरी पोनी को नहीं दिया होगा। हाँ? ये मजेदार है। तुम लोग क्या कर रहे हो? रेनबो डैश और एप्पल जैक मुकाबला कर रही है सबसे डेयरिंग पोनी बनने का। ये आखिरी टेस्ट है, इसे कहते हैं द बीस्ट डेयर। जो भी पल के ना झपकाए वो जीत जाएगी। मुझे मेरे बीज वापस चाहिए। पर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे डेयरिंग पोनी कौन है? तुम लोग मुझे माफ कर दो। वेल, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो लेडीज, मैं सुबह से पूरे स्कोर्स लिख रही हूँ। दशमलव को हटा दो, दो जोड़ो और कंग्रेचुलेशंस, ये एक टाई है। टाई? सबसे डेयरिंग पोनी का फैसला एक टाई से नहीं हो सकता है। पता नहीं, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैं यहाँ रुककर स्कोर रखना चाहती हूँ, पर मैंने वादा किया था स्कूल बेल की नई घंटी को टेस्ट करने के लिए। मुझे पूरे हफ्ते बिना रुके उसे बजाना है, और उसके लिए किसी को वॉलंटियर भी नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बस कोई और डेयरिंग डेयर सोचना होगा। हाँ, शायद मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं। रैरिटी, तुम्हें नहीं लगता अब जंगल आने के लिए थोड़ी देर हो गई है? ये स्टार स्पाइडर आने का मौसम है। हालांकि मुझे पता है तुम्हारे पास यहाँ आने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ है, मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी वजह है। तो फिर मैं मदद करूँगी। क्या वजह है? मैंने सुना है कि दो बहनों का महल पोनी इतिहास की आज तक की सबसे खूबसूरत टेपेस्ट्री से भरा पड़ा है, और मुझे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि वो शानदार चीजें उस खंडर में बर्बाद हो रही हैं जहाँ उनकी बिल्कुल कद्र नहीं है। ठीक है, मुझे उनमें से कुछ को अपने बुटीक में लाकर ठीक करने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। शायद मैं अपनी नई लाइन के लिए उन डिजाइन से कुछ सीख सकती हूँ। ये सुनने में बहुत ही खास लगता है। हाँ, वैसे शायद मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम नहीं है, पर अगले सीजन में रेट्रो एंशिएंट क्लासिकल की धूम मचेगी तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अच्छू, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें इन टैपेस्ट्रीज की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। वैसे मैं मानती हूँ कि वो खंडहर थोड़ा डरावना है। जरा देखो यहाँ चारों ओर कितनी मिट्टी है। एंजल!
क्या बात है, ये तो पुराने जमाने की शानदार कला का खजाना लगता है। एंजल, तुम्हें इधर उधर नहीं भागना चाहिए। इस खंडर में तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हारे अंगूठे में चोट लग सकती है, या तुम पत्थर से टकरा कर गिर सकते हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मुझे इन मोमबत्तियों की जरूरत नहीं है ट्वाइलाइट, मैं बस एक सेकंड के लिए ही डरा था। ओके, ये तुम्हारे लिए नहीं है स्पाइक, हम रात में काफी देर तक पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी रोशनी की जरूरत होगी। ओह, बहुत अच्छे। देखो हम पहुंच गए। इस जगह में ऐसा डेयरिंग क्या है? ये तो वही जगह है जहाँ एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी मिले थे। जब मैं छोटी थी तो ग्रैनी स्मिथ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। नाइटमेयर मून को कैद करने के बाद उसका काला जादू पूरी तरह से कैद नहीं हो पाया था। ग्रैनी कहा करती थी कि जब महल में रात होती है तब वही जादू शक्ल ले लेता है परछाइयों के कदमों की। मतलब किसी भूत की तरह? कोई नहीं जानता। ये वाला परफेक्ट है। वेल, इसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। जरा वहाँ ऊपर जाकर इसे हुक से उतार दोगी? शायद नीचे से। मुझे समझ नहीं आ रहा इस पुरानी कहानी में डेयरिंग क्या है, और वैसे भी मुझे तो भूत वगैरह पे विश्वास ही नहीं। तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। तुमने वो देखा? भागो! आओ, लगता है मुझे चोट लगी है। ओह माय डियर, मुझे माफ कर दो, ये टैपेस्ट्री बहुत भारी है, हमें कोई छोटी वाली ढूंढनी चाहिए। ओह, सही कहा। वैसे तुम गायब कहाँ हो गई थी? क्या मतलब? जब तुम उस कपड़े के नीचे थी तो पूरी की पूरी दीवार घूम गई थी, तुमने किसी सीक्रेट दरवाजे को एक्टिवेट कर दिया होगा। माफ करना, मुझे लगता है ये खंडहर उनसे भरा पड़ा है। वाकई? हाँ बिल्कुल, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अच्छा ठीक है, हो सकता है वो कहानी सच्ची है। वेल, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि सबसे डेयरिंग पोनी ही महल में बिना डरे सारी रात गुजार सकती है। डर? मुझे डर नहीं लग रहा। वेल, मुझे भी नहीं। तो फिर तय हुआ, जो भी इस महल में ज्यादा देर तक रुकेगा वही सबसे डेयरिंग पोनी कहलाएगा। डील। और मुझे यहाँ से निकालने के लिए किसी भूत की परछाई से काम नहीं चलेगा। मुझे भी। कुछ मिला स्पाइक? नहीं, कुछ नहीं मिला। एंजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह! तो ये है दो बहनों की जर्नल। शायद यही वो किताब है जिसके बारे में सिलेस्टिया बात कर रही थी। उम्मीद है तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता होगा एप्पल जैक। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं डरती नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे जितना तो नहीं डरने वाली रेनबो डैश। लगता नहीं कि तुम मुझे जानती हो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं भी नहीं। क्या बात है, ये तो बस एक अंधेरा गलियारा है जिसमें पोनीज के टूटे पैर लगे हैं। हाँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस महल को मेरी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ओह डियर, एंजल, रैरिटी, क्या तुमने उसे देखा? मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ नीचे आया है डियर। ओह गुडनेस, हमें उसे ढूंढना होगा। किसी बनी के लिए पुराना महल सही जगह नहीं है। उसके ऊपर कोई पत्थर गिर सकता है, या उसके पैरों से जमीन खिसक सकती है, या वो किसी अंधेरी जगह में फंस सकता है। मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो।
एप्पल जैक, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मान लो ना, तुम्हें मेरे कंधे पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर हूँ। रैरिटी, क्या हुआ? मुझे कुछ महसूस हुआ, वो भी जिंदा। एंजल, बस टैपेस्ट्रीज मिले या ना मिले, पर मैं इन खुफिया दरवाजों, अजीब चीजों और एक बेढंगे महल से तंग आ चुकी हूँ। अब हम यहाँ से नहीं जा सकते और एंजल को इस जगह में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। वो किसी हिलते स्टैचू के नीचे फंस सकता है या किसी ऊंचे टावर में जहाँ उसे खाना और पानी दोनों नहीं मिलेगा और वहाँ कोई दोस्त भी नहीं होंगे। स्पाइक, तुम्हें ये सुनना ही चाहिए, मुझे पेंटिंग्स के पीछे छुपना बहुत पसंद है। हालांकि हॉल ऑफ हूव्स में लूना को अभी भी डर लगता है, पर ट्रैप डोर की जो स्लाइड है वो उसकी फेवरेट है। हॉल ऑफ हूव्स, जल्दी ही बाहर की तरफ का ऑर्गन पूरा बन जाएगा, मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बाहर वाला ऑर्गन क्या है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या तुमने वो सुना? तुम्हारा मतलब एक पुराने डरावने पाइप ऑर्गन की आवाज? शायद। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रही हो। ट्वाइलाइट, क्या तुमने कुछ सुना? ओह स्पाइक, डरपोक ड्रैगन बनना बंद करो। ये महल हजारों साल पुराना है और इसका कुछ हिस्सा नाइटमेयर मून की वजह से बर्बाद हो चुका है, तो इसमें से अजीब आवाजें तो आएंगी ही, और ये गिर भी तो रहा है। ठीक है। एंजल, एंजल। मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ लेंगे। एंजल, वाह, वाह! क्या तुम्हें एंजल मिला? क्या वो ठीक है? ये तो परफेक्ट है। कोई भी महल मुझे कला के इस शानदार नमूने को ठीक करने से नहीं रोक सकता। ओह, ये बहुत प्यारे है रैरिटी, पर मुझे एंजल को ढूंढना है। उम्मीद है उसे ऐसा नहीं लग रहा हो कि मैंने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी ठीक पीछे ही हूँ। बस अभी आई। क्या तुम्हें लगता है कि इस महल में कोई ऐसा कमरा होगा जो डरावनी चीजों से भरा हुआ नहीं होगा? ये तो बस एक पुराना पोनी आर्मर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो अचानक जिंदा हो उठेंगे। सही कहा ना? ध्यान से सुनो महल, तुम बहुत पुरानी और डरावने जरूर हो, पर तुम्हारी दीवारों पर जो आर्ट है उसकी हालत बहुत खराब है और तुम मुझे उन्हें ठीक करने से नहीं रोक सकते हो, समझ गए? एप्पल जैक, अगर तुम वापस पोनीविल चली गई तो इसका मतलब है मैं जीत जाऊंगी, है ना? जानती हो तुम्हें छिपने में मजा नहीं आता, पर प्लीज कह दो ये एक मजाक है। रेनबो, हेलो। मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई तो मैं जीत जाऊंगी, है ना? Oh!
महलों में से ये वाला सबसे ज्यादा बदतमीज है। उम्मीद है तुम दोनों साथ हो। डरावने स्टैचूज, अजीब से आमर, कैसे महल हो तुम? बस यही है तुम्हारे पास? ये क्या हो रहा है? तुम्हें तो पता है, शायद इस टूटे महल से कोई और अजीब आवाज आ रही होगी। ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था स्पाइक। इन्हें हुआ क्या है? कोई बात नहीं, एंजल तुम ठीक तो हो? एंजल, तो बचाना है। फ्लटरशाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे साथ है। शुक्रिया। क्या तुम लोगों ने पूरी रात एक दूसरे को डराते हुए और इधर उधर भागते हुए बिताई? वेल, ये डिपेंड करता है। किस पर? इस बात पर कि तुम पोनी की परछाई हो या नहीं। ये पोनी की परछाई क्या है? ओह, वो बस एक पुरानी कहानी है स्पाइक। तो फिर वो कौन बचा रहा है? हमें चलकर पता लगाना चाहिए। बजा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। ये देखो, तुम पोनी की परछाई हो। कहाँ की पोनी? देखा मैंने क्या कहा था? हमें लगा था तुम पूरे हफ्ते स्कूल की घंटी बजाओगी। ओह हाँ, मुझे वो बस 5 मिनट के लिए बजानी थी। उन्होंने कहा इतना काफी है। पता नहीं ऐसा क्यों कहा। तो फिर मैंने सोचा मुझे स्कूल की घंटी बजाने की पार्टी करनी चाहिए, पर मेरे पास ब्लूबेल्स नहीं थी और ब्लूबेल्स के बिना स्कूल की घंटी बजाने की पार्टी की ही नहीं जा सकती। तो मैं वो लेने एवरफ्री जंगल आ गई और यहाँ मुझे ठंड लगने लगी, तो मैंने अपने आप को एक कपड़े से लपेट लिया और तभी मैंने फ्लटरशाय और रैरिटी को देखा। इससे पहले कि मैं उन्हें इनवाइट कर पाती, वो महल के अंदर चली गई। मुझे लगा मुझे भी पार्टी में मदद करनी चाहिए। अब ये कौन सी पार्टी है? पुराने भूतिया महल में आकर एक दूसरे को डराने वाली पार्टी जिसमें मैं ऑर्गन बजाऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं इसे वापस वहीं पहुँचा दूंगी जहाँ से मुझे ये मिला था, जैसे ही मैं इसकी मरम्मत कर दूँ। अब फिर से मुझे छोड़कर कभी मत भागना। पता है मैं तो बहुत डर गई थी, लगा जैसे मैंने डर को अपने सोच पर हावी होने दिया। शायद हम ज्यादा ही सोच रहे थे। मैं हमेशा अपनी सोच को उड़ने देती हूँ और फिर वो मेरे लिए केक लेकर आती है। वेल, ये जानकर अच्छा लगा कि जब भी तुम्हारा डर तुम पर हावी होने लगे तो एक अच्छा दोस्त हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। और हालांकि मैं उस रहस्यमय बक्से के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई, पर मुझे खुशी है कि मैं तुम सबकी मदद के लिए वहाँ थी। तुमने बिल्कुल सही कहा ट्वाइलाइट। हाँ, तुम डरी क्यों नहीं?
सिलेस्टिया की डायरी पढ़ने के बाद मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं ये बात जानती थी कि ये जगह पहले कैसी हुआ करती थी। बीते कल के बारे में जानकर मेरे लिए अपने आज की मुश्किलों का सामना करना आसान हो गया, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, क्यों ना हम भी एक शाही जर्नल बनाएं, ठीक शाही बहनों की जर्नल की तरह। हम सब? हाँ, इस तरह हम एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकेंगे और शायद किसी दिन दूसरी पोनीज भी उसे पढ़ेंगी और कुछ सीख पाएंगी। बहुत ही शानदार आइडिया है। मैं जानती हूँ मेरी पहली एंट्री क्या होगी, प्यारी डायरी। मुझे खुशी है कि ग्रैनी स्मिथ की कहानी सच नहीं है। मुझे भी, क्योंकि इसका मतलब है अभी भी तुम दोनों ने सबसे डेयरिंग पोनी के मुकाबले में टाई ही किया है। पर चाय की पोनीज क्या बकवास है।